बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा नाम बन चुके हैं जिनके बिना बिग बॉस 13 के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। दुश्मनी हो या दोस्ती, हर कोई सिद्धार्थ से ही रखना चाहता है। वैसे भी इन दिनों सिद्धार्थ के साथ घर में बहुत चीजें बदलती नजर आ रही हैं। कल तक जो उनके दोस्त थे वो आज उनके दुश्मन बन गए हैं, और जो दुश्मन थे वो दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इन सब के बीच जो चीज फैंस का दिल जीत रही है वो है सिद्धार्थ शहनाज की दोस्ती। अब इसे कुछ दोस्ती कह रहे हैं तो कुछ लोग प्यार कह रहे हैं। वहीं ट्विटर पर भी फैंस बिग बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि सिद्धार्थ शहनाज को अपनी फीलिंग कन्फेस कर दे। वैसे शहनाज और सिद्धार्थ कई बार इनडायरेक्टली ये बातें बता चुके हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि इस वीक जब जब आसिम सिद्धार्थ की लड़ाई हुई, शहनाज ने सिद्धार्थ को प्रोटेक्ट किया। वहीं शहनाज ने सिद्धार्थ का मंडप भी इसीलिए तोड़ा क्योंकि सिद्धार्थ की टीम ने सिद्धार्थ को धोखा दिया था। हालांकि सिद्धार्थ ने शहनाज को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वहीं एक सीन में शहनाज देवोलीना को कहती नजर आई कि वो एक बार सिद्धार्थ को छोड़कर गलती कर चुकी हैं, अब कभी नहीं करेंगी, वो कुछ भी हो जाए सिद्धार्थ को नहीं छोड़ेंगी। इसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज के बीच बहुत ही स्वीट कन्वर्सेशन देखने को मिला, जहां पहले तो शहनाज और सिद्धार्थ साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। इसके बाद शहनाज कहती हैं कि वो सिद्धार्थ से गुस्सा हैं क्योंकि उनके बेड पर आरती सो रही थी। वैसे बात जब सिद्धार्थ शहनाज के बेस्ट मोमेंट की हो रही हो तो हम पार्टी वाला वो सीन कैसे भूल सकते हैं जहां पहले असीम शहनाज के साथ सॉन्ग दिल दिया गल्ला पर डांस कर रहे थे, लेकिन इसे देख सिद्धार्थ जेलसी फील करने लगते हैं और असीम को हटाते हैं और खुद शहनाज के साथ दिल दिया गल्ला पर डांस करने लगते हैं। अब अगर आपको अभी भी लग रहा है कि शहनाज और सिद्धार्थ का बॉन्ड कमजोर है तो वीकेंड के वार में सिद्धार्थ का स्टेटमेंट याद दिला देते हैं। सिद्धार्थ ने सलमान खान से कहा कि असीम ने मुझे सना के बारे में बहुत कुछ कहा, उन्होंने कहा कि इस पर यकीन मत करो, इससे बात करना छोड़ दो, पर मैंने असीम और आरती दोनों को कहा कि मेरी उसके लिए अलग फीलिंग है, उसे जो करना है वो कर सकती है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। अब ये बात तो साफ करती है कि शहनाज सिद्धार्थ के बीच कुछ ना कुछ तो है। अब ये मोहब्बत है या फिर सिर्फ दोस्ती, कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।